हेलो फ्रेंड्स, आज हम IVF में लगने वाले इंजेक्शंस और दवाइयों के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है SCG का इंजेक्शन और ये हर 7 दिन में लगाया जाता है। ये एक मुझे 14 तारीख को लग गया है और ये एक 21 तारीख को लगेगा। और इस इंजेक्शन को फ्रीज में रखना होता है, बाकी इंजेक्शंस तो बाहर ही रहते हैं। और हॉस्पिटल से भी इसे आइस पैक में दिया जाता है। और फ्रेंड्स, एक ये इंजेक्शन है 500 mg का हाइड्रॉक्स प्रोजेस्ट्रॉन का, और इसे तो बाहर ही रखा जाता है। ये हर 4 दिन में एक बार लगता है। और इसके साथ ही एक इंजेक्शन और है, ये भी 4 दिन में एक बार लगता है। और सभी 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 जो IVF सेंटर है वहाँ का अलग अलग होता है। मुझे ये दोनों इंजेक्शन हर 4 डे में लगाने के लिए बोला है। ये इंजेक्शन बैक पे लगाया जाता है और ये वाला हाथ की चमड़ी पे लगाया जाता है। ये खून को पतला करने वाला इंजेक्शन है। और इसके बाद हम दवाइयों की बात करेंगे। एक ये दवा है, ये देख लीजिए, एश्योरेंस, ये मेन दवा है। ये दिन में 2-2 गोली 3 बार लेनी पड़ती है, वो भी टाइम से। और इसके बाद एक ये गोली है, ये सुबह शाम 1-1 गोली लेनी है। और एक ये टेबलेट है, ये वेजाइनल टेबलेट है, ये सुबह और शाम वेजाइना में रखने के लिए दी गई है। और इसके अलावा तो ये सारी विटामिन्स की है। ये रात को सोते समय 1 गोली लेनी है। और इन दोनों में से 1-1 गोली मॉर्निंग में, देख लीजिए इस दवा का क्या नाम है, ये बाकी तो इन्फेक्शन की ही दवाइयाँ हैं। और एक ये गोली है, ये भी सुबह शाम लेने की है, खाना खाने के बाद ही लेनी है सारी टेबलेट्स। ये गैस की टेबलेट है, बस यही टेबलेट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।